हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी आरसी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज ट्यूसडे हो गया है और अभी सुबह के करीबन 8 बज गए हैं और यहाँ पे मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ और पूजा भी कर ली है और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो बच्चे लोग सो रहे हैं क्योंकि स्कूल में छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों के दिन बच्चे आराम से उठते हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो काम के लिए निकल गए हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए जो सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच मैं जो रेडी करती हूँ वो भी मैंने कर लिया था सुबह में। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय हो गई है और आज चाय के साथ प्लेन पराठा खाऊंगी मैं। तो प्लेन पराठा मैं क्या करती हूँ, पैन पर थोड़ा सा गरम कर देती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, बहुत सिंपल सा है। तो जैसे ही चाय पी लूँगी उसके बाद जो घर के काम होते हैं वो करूँगी। तो अभी दोनों ही उठ चुके हैं और ऋषि जो है वो चारनी को घोड़ा गाड़ी करके लेके आ रहा है और बस दोनों ने ब्रश वश कर लिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गए और सीधे किचन में आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो ऋषि को बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट बनाना। तो अभी 4:30 बज गए थे करीबन और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने चाय के साथ थोड़े से पोहे ले लिए हैं और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, और हमारे घर में बैंगन का भरता सभी को बहुत पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे 3 बैंगन लिए हैं, वो काफ़ी है हमारे लिए। तो वॉश कर लिया है और उसका जो छिलका है वो यहाँ पे निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं उसको काट लूँगी, बीच में से थोड़े से छोटे पीसेस कर दूँगी। और उसमें 1 ग्लास और पानी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर मैं प्रेशर कुकर को जब तक 1 सीटी ना हो जाए तब तक पकने दूंगी, क्योंकि बैंगन है वो जल्दी से पक जाता है। और यहाँ पे मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ और ग्रेवी में मुझे चाहिए 2 छोटे अनियन हमारे घर के हिसाब से, और लहसुन, अदरक और हरी चिली। तो सभी को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट देती हूँ और एक तरफ प्रेशर कुकर गैस पर मैंने चढ़ा दिया है। तो ग्रेवी के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और जैसे ही कढ़ाई होती है तो मैंने ऑयल ऐड कर लिया और उसमें थोड़ा सा जीरा, उसके बाद गार्लिक, जिंजर और चिली, और फिर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है मैंने। और जो अनियन है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ था ताकि जल्दी से अनियन हो जाए। और थोड़ी देर पकने के बाद ये इस तरह से दिखती है और यहाँ पे मैंने चिली पाउडर और गरम मसाला ऐड किया हुआ है और थोड़ी देर तक मैं इस मसाले को पकने दूंगी ताकि उसका फ्लेवर है वो अच्छे से आए। और ये जो है वो टमाटो की प्यूरी है और इसके बाद थोड़ी देर तक पकने दूंगी कवर लगा के, और जैसे ही पक जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे जो बैंगन मैंने बॉईल किए हुए थे उसको मैं थोड़े ऐसे स्मैश कर दूंगी और ऐड कर लूँगी, और बैंगन और जो ग्रेवी है उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आपस में घुल मिल जाए और अच्छे से एक रस हो जाए। और थोड़ी देर तक मैं ऐसे ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। और लास्ट में मैं ये करती हूँ, थोड़ा सा पैन पर ऑयल लेती हूँ और ये जो है वो है स्प्रिंग ऑनियन, उसमें उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए है और ऐसे ऑयल मैं थोड़े से फ्राई करके मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया है। अगर इसको तड़का लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है
और ऐसा कुछ दिखता है। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने बैंगन के भरते की सब्ज़ी के साथ दो पराठे, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी प्याज मैंने रखी हुई है, और अभी हम सब लोग डिनर करेंगे। और डिनर हो गया है और उसके बाद जो भी बर्तन है वो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ, और शाम भी हो गई है। तो आई होप आप सबको ये वाला मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। बाय दोस्तों।